नमस्कार दोस्तों, कोलकाता और पंजाब के मैच में तो जॉनी बेयरस्टो ने अपना जलवा बिखेर दिया। दे चौका, दे छक्का, बाउंड्री पे बाउंड्री, क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है पंजाब ने। कोलकाता ने 261 रन का भारी भरकम स्कोर पंजाब के सामने रखा। इतना बड़ा स्कोर चेज करना तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन कहाँ भैया, पंजाब फुल बदले के मूड में था ऐसा लगा। कोलकाता के बॉलर्स को चौके छक्के नहीं मार रहे थे, पंजाब ने कोलकाता के बॉलरों को धो दिए या बोला जाए कूट दिए हैं। सुनील नारायण को छोड़ दिया जाए तो कोई बॉलर नहीं बचा जो कुटाया नहीं है। आंद्रे रसेल 2 ओवर में 36 रन, अनुकूल रॉय इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे 2 ओवर में 36 रन, और सबसे ज़्यादा तो हर्षित राणा 4 ओवर में 61 रन, बॉलिंग में अर्धशतक बन गया भाई। बात करें जॉनी बेयरस्टो की तो 48 गेंदों में 108 रन बनाते हैं, 9 छक्के 8 चौके जड़ते हैं, 86 रन तो केवल बाउंड्री से आए हैं, और बेयरस्टो ने 105 मीटर का इस मैच का सबसे लंबा छक्का भी लगाया है। इस आईपीएल सीजन का सबसे लंबा छक्का दिनेश कार्तिक के नाम है 108 मीटर का। बेयरस्टो का साथ देने आए थे प्रभसिमरन सिंह, 20 गेंदों में 54 रन कूट देते हैं, आतिशी पारी खेलते हैं वो तो किस्मत अच्छा था कोलकाता का कि डायरेक्ट हिट लग गया और प्रभसिमरन रन आउट हो जाते हैं, वरना ये भी शतक मारते और बेयरस्टो के साथ दोनों ही पूरा मैच जिता देते। राइले रूसो कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाते और सुनील नारायण की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन उनके बाद जो बैट्समैन आया वो थे शशांक सिंह। हाँ, वही शशांक सिंह जिसे पंजाब ने गलती से खरीद लिया था, आज फिर अपना जलवा बिखेर देते हैं पूरे मैच में अपनी घातक बल्लेबाजी से। 28 गेंदों में 68 रनों की पारी खेलते हैं, चौके से ज़्यादा तो छक्के मार रहे थे, बॉल बैट में लगी मतलब बॉल सीधे बाउंड्री के बाहर, 9 छक्के और 2 चौके मारते हैं। पंजाब वालों की किस्मत अच्छी है लगता है, ढूंढने निकले थे सोना लेकिन कोयला समझ के जिसे अपने पास रखा वही हीरा निकल गया। तारीफ करनी पड़ेगी शशांक की, उन्होंने पंजाब को अपनी तारीफ करने पे मजबूर कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस के बल पर। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है पंजाब जो 261 रनों को चेस करते हुए जीत दर्ज की है। कमाल का प्रदर्शन रहा पंजाब का। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।